वेलकम बैक टू द वेलनेस शो. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, मदरहुड की. और अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके लव्ड वंस में कोई भी प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी को, या अभी उनकी हो, ये प्रेग्नेंट हैं, तो उनको क्या क्या, किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, यही हमारी बात कर रही हैं फातिमा हुसैन, जो हमारी यहाँ पे कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट आई हैं आप लोगों के लिए. तो जैसे हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, तो आपकी बॉडी ने ज़िंदगी में इमोशनली और फिज़िकली इतना हार्ड, इतना सख्त काम नहीं किया होता जितना कि चाइल्ड बर्थ में और प्रेगनेंसी में किया होता है. और उसके लिए कौन कौन से, पहले ये बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जो कि तंग करते हैं एक्चुअली प्रेग्नेंट औरतों को, स्पेशली फर्स्ट जो है ट्रिमेस्टर में काफ़ी तंग करते हैं. लेकिन अभी हम पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 3 महीनों का हम बताएं आपके, उसमें क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका क्या हम कर सकते हैं, उसको कैसे हम थोड़ा एलिविएट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. बहुत सी औरतों को वो सिकनेस होती है ना, मॉर्निंग सिकनेस जिसको कहते हैं, तो एक्चुअली वो मॉर्निंग में नहीं होती है, हर वक्त होती रहती है बेचारी. नाम पता नहीं इसका मॉर्निंग, लेकिन है कभी वो लोग जब उठते हैं सुबह बहुत कुछ खा नहीं सकते हैं, तो इतने कभी सिवियर होती है कि उनको हॉस्पिटल एडमिशन भी करना होता है. और ये है कि ये बहुत कॉमन है, शायद 80% औरतों को ये होती है. तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा तो ये है कि अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें कि इसमें कुछ बच्चे को कुछ वो नहीं हो रहा है, बच्चे को कुछ हर्ज नहीं हो रहा है. अगर आप बिल्कुल खाना पीना नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, तो आपको फिर तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. लेकिन जैसे थोड़ी सी जो होती है थोड़ा बहुत लिक्विडी अगर आप कुछ लेना चाहें, या बिस्किट वगैरह जो है वो कहते हैं, हाँ तो बिस्किट खाएं, थोड़ी सी ब्रेड जैसी चीज जिसमें जो एसिड सोक हो जाए अपने स्टमक में, और पानी पीते रहें. अगर जैसे ग्रीसी फूड है वो नहीं खाना चाहिए, तली हुई चीजें नहीं खाना चाहिए, वैसे ब्लैंड फूड्स खाना चाहिए. और लेकिन उसमें बात यह है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और पहले 3 महीने में, तो अक्सर लोगों को खट्टी और पता नहीं क्या क्या और चीजें जो है वो सब खा सकते हैं, जो दिल चाहता है खा लें, लेकिन उसमें अगर सिकनेस होती तो वो नहीं खाएं. अच्छा. और जैसे कभी कभी वो होता है कि एक्यूप्रेशर के जो फार्मेसी से ले सकते हैं, वो प्रेशर होता है ना. अच्छा. तो उसमें एक्यूपंक्चर भी कुछ का फायदा हो सकता है. एक्यूपंक्चर के बारे में तो मैं भी कहना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को, अगर आपके इर्द गिर्द कोई है, क्योंकि मैंने 2-3 प्रेग्नेंट लड़कियों को अभी देखा है रिसेंटली, जिनको इतना फायदा हुआ है, इतनी सिक होती थी कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. वो जो हमारी प्रिंसेस केट है उसकी तरह हुआ, तो उसी तरह उनको हुआ. लेकिन वो एक्यूपंक्चर के पास गई, पंक्चरिस्ट के पास गई, और उनसे तीसरे दिन वो जो है वो उनकी सिकनेस खत्म हो गई. एक्चुअली एक्यूपंक्चर से पहले वो तो नीडल्स का होता है, एक्यूप्रेशर भी करा सकते हैं. अच्छा. तो केमिस्ट में एक मिलती है चीज एक्यूप्रेशर बैंड्स, उसको सी बैंड्स कहते हैं, उसको लगा लो, उसमें प्रेशर उसी सिमिलर इफेक्ट होता है. अच्छा. उससे बहुत नेचुरल तरीके से थोड़ा बेहतर हो जाता है. वेरी गुड. अच्छा. लेकिन और अगर जैसे बहुत ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएं, जीपी के यहाँ जाएं, दवा भी ले सकते हैं. बहुत सी दवाएं बिल्कुल ठीक है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर मगर अभी भी जो है बहुत सी औरतें जो है उससे डरती हैं कि भाई कि हम कोई भी दवाई, आई मीन डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर आप उसको अवॉइड कर सकती हैं दैट्स वेल एंड गुड, यू नो दैट्स मच बेटर देन हैविंग एनी काइंड ऑफ. हाँ, लेकिन ये है ना कि कभी इतना होता है सिकनेस के डिहाइड्रेशन हो जाता है. हाँ. और फिर वो बेचारी औरत यूरिन नहीं पास करी, तो इसमें थोड़ा सा डेंजर हो सकता है उसके हेल्थ के लिए. तो इससे पहले कि ये हॉस्पिटल एडमिशन हो जाए, तो जीपी के यहाँ चले जाए. अगर ये एक्यूप्रेशर नहीं काम कर रहा है, छोटे मील्स नहीं काम कर रहे, तो जीपी के यहाँ जाए, दवा ले सकते हैं, जो जीपी देगा सेफ होगा प्रेगनेंसी के लिए. और अगर वो नहीं फायदा हुआ, तो इतनी हो रही है वॉमिटिंग के कुछ पानी भी नहीं पी सकते इस वक्त, तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा ड्रिप लगा के 1-2 दिन के बाद. फिर हाँ, फिर वापस और बाहर तो दवा देंगे हम लोग, तो देते हैं इंट्रावीनस दवा देते हैं. अच्छा. फिर इन दैट केस यू जी डू दैट ट्रीटमेंट. हम अपनी जो है व्यूअर्स जो जो इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं और उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, हम उनसे भी ये कहेंगे कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस था और आपने किस तरीके से, अगर आपको सिकनेस होती थी या कोई और भी जैसे बैक एक होती है या स्वेलिंग होती थी टांगों में, उसको आपने कैसे जो है वो रिड्यूस किया या कैसे आपने उसको डील किया, तो आप हमें ये भी बताइए. बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये सारा इंटरेक्शन. तो आप हमें ज़रूर फ़ोन कीजिए, 0203-6300-610 इज़ द नंबर टू कॉल अस. जी हाँ, तो ये हाँ हम सुनना चाहते हैं कि व्यूअर्स के काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो लोग भी बताएं क्या होता है. हाँ, तो अच्छा ये तो हुआ मॉर्निंग सिकनेस. हाँ,
आपने ये बताया दो चीजें जो मेरे ख्याल जो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका हल क्या है, हमें पता तो है कि मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो इन्होंने आपने बताया कि एक्यूप्रेशर भी है एक पहली चीज अगर आप अपने फार्मासिस्ट के पास जाए, दिस इज व्हाट यू सेड, और दूसरी जो है एक्यूपंक्चर जो है, ये दो चीजें हैं, और फिर तीसरी जो है अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी सी मेडिकेशन, लेकिन इससे सबसे पहले अपने जो मील्स हैं थोड़े थोड़े से, यानी इतना नहीं करें कि तीन मील्स अ डे खाएं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो यानी छोटा सा खा लें, थोड़ा सा सैंडविच खा लें या बिस्किट्स खा लें, और मील्स ये नहीं जरूरी है कि आपको सभी खाना है सब एक वक्त में, बड़े मील्स दो दो तीन तीन घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खा थोड़ा थोड़ा बिस्किट्स वगैरह खा सकते हैं। अच्छा अच्छा, फिर उसके अलावा और क्या कंप्लेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेंट मदर्स करती हैं? सो आपने कहा था ना कि ये होता है कॉन्स्टिपेशन भी होता है, बहुत कब्ज़ होता है, तो इसके लिए क्या, ये बहुत कॉमन है जो हार्मोन जो है प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उससे बाउल्स बहुत स्लो हो जाता है, तो आपको ये इसको क्या करना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, जैसे ऑरेंजेस बहुत अच्छी होती हैं, एप्रिकॉट्स, फिग्स, प्रून्स भी अच्छे हैं, ये सब हाई फाइबर फ्रूट्स है ना, ये खाना चाहिए, लेकिन उसके साथ फिग्स, वो जिसे कहते हैं अंजीर हाँ, तो ये खाएं, लेकिन उसके साथ पानी बहुत सा पीना चाहिए। चलिए हम देखते हैं हमारी फर्स्ट कॉलर क्या कह रहे हैं या क्या कह रही हैं। जी हेलो, गुड मॉर्निंग। Hello, good morning. My name is Navida. I'm ringing from Bradford. Hi, is it Farida? Not Navida. Navida. Okay, welcome Navida. To the show, Navida. Yeah, what would you like to say? I'd like to say is the best thing to do is just relaxation and not let any stress get to you. Yes. Because when you stress, the baby picks up all the hormones, and I think it then stresses the child as well. So relaxation, just like create a resilience and let things bounce off you and don't let anything get to you and just relax. And you know, my kids are much older now, mashallah. And yes, so this is what you practice during your pregnancy, is it? Sorry, did you practice the relaxation techniques while definitely, you were pregnant? Definitely. Okay, I think this is a good. Very, very important thing you've hit on there, and I think that's fantastic. But some people, thank you very much, Navida, for your input. जी तो हाँ, relaxation की बात हाँ, ये बहुत से लोग कहते हैं कि जो sickness होती है ना, it's a physiological thing, तो hormone की वजह से होती है, ये तो मालूम है, लेकिन और जो चीज़ें हम लोग कहें physical चीज़ें, लेकिन mental and peacefulness, calm, quiet, well, you know, that is very important. But how do you achieve that in this day and age? That's a big issue. So this is the thing, isn't it? People find different ways. Some people like meditate, some people pray, some people just, I think it's true, you have to create a peaceful environment. Okay. So we talked about constipation, like an indigestion B is one of the problems. Indigestion is there as well. Yeah, definitely. Again, this is because the hormone of the pregnancy, progesterone, it relaxes the little muscle above the stomach, so some of the acid comes back, and that can cause quite a lot of heartburn, especially when they're lying down, so they can have, especially in the third trimester. Yes, it worsens, but you're absolutely right, it can happen, start early on, any stage in pregnancy, you can, simple things like Gaviscon, antacids, any antacids. Sorry, I shouldn't say the trade names. Not Gaviscon. नहीं नहीं और नहीं मगर I thought कि ये वाली चीजें तो हमें pregnant औरत को देनी नहीं चाहिए, pregnant लड़की ले सकते हैं Gaviscon. अच्छा, Gaviscon ले सकते हैं. Gaviscon के यानी any antacid ये है कि it doesn't get absorbed in the body. तो यानी वो stomach में जाके फिर निकल आता है. तो इसके अब तो बच्चे के कोई बिल्कुल safely ले सकते हैं, antacid ले सकते हैं. और वैसे तो अगर reflux बहुत ज्यादा होती हम लोग को ranitidine और ये और दवाएं भी देना पड़ती हैं. अगर ज्यादा वजन होता है लोगों को और पहले से रिफ्लक्स होती तो हमको और दवा देना पड़ती है. अच्छा, एक्चुअली ए वेरी सिंपल थिंग टू अवॉइड इंडाइजेशन इज टू नॉट बी ओवरवेट. दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. तो इसलिए आपने कहा शुरू में ओवरवेट, शुरू में अगर आप उसको अगर वजन कम कर लें प्रेगनेंसी होने से पहले, आपके बहुत फायदा होगा. डायबिटीज का रिस्क भी कम होगा, रिफ्लक्स भी होगा, सिजेरियन सेक्शन का भी रिस्क कम होगा, हाई ब्लड प्रेशर का भी रिस्क, हर चीज में वेट जो है वो आ जाता है. देखते हैं हमारे अगले कॉलर क्या कह रहे हैं. हेलो एंड अ बिग वेलकम टू द प्रोग्राम, गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मेरा नाम आबिदा है. आबिदा, वेलकम टू द शो. जी मेरी एज 43 है. जी
मेरे 3 मिसकैरेज हो चुके हैं. मतलब कि एक माशाल्लाह मेरा बेटा 16 साल का है. अच्छा. यूके में मैं जब आई थी तो 10 साल के बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई, तो उसको भी एक मिसकैरेज हुए हुए 3 साल हो गए हैं. अच्छा. लेकिन उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई. मैं अपने जीपी के पास जाती रही हूँ, उन्होंने मेरा सब कुछ टेस्ट वगैरह किया है सब कुछ. वो कहते हैं कि हमें कुछ खास वजह नजर नहीं आ रही कि आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं. तो मेरा ख्याल आई थिंक एज के एज का फैक्ट है कि मैं 43 की हूँ, तो ये तो नहीं वजह. क्या जब भी मिस प्रेगनेंसी हुई है मेरे पहले बेटे के बाद, मेरे 2 पाकिस्तान में मिसकैरेज हुए हैं और एक यूके में आके मिसकैरेज हुआ मेरा. तो अच्छा. मैं चाहती तो हूँ कि चलो अल्लाह ताला मुझे एक और बेटी दे दे. बेटा तो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह ताला की देन है जी. लेकिन अगर कुछ ही मैं अगर आप कुछ प्लीज बता दें. अच्छा. कुछ मैं ऐसा करूँ जिससे चलो अल्लाह ताला नजर करम कर दें, तो आप प्लीज मुझे. मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. और मेरा ख्याल है हम जरूर इस बात पे, मेरा ख्याल IVF के लिए एंटाइटल्ड नहीं होंगी. अच्छा ये बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया. इसको जो आपको हुआ है बहन, इसको रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं. तो 3 मिसकैरेज एक के बाद एक, इसको रिकरेंट मिसकैरेज. ये इनफर्टिलिटी एक्चुअली नहीं है, इसे फर्टिलिटी होता है जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, यानी इनफर्टिलिटी. तो बहन आपने बिल्कुल सही कहा है कि एज की वजह से जैसे हम लोग ऊपर 35 के ऊपर जाते हैं मिसकैरेज के इंक्रीज होते हैं, तो 43 में काफ़ी ज़्यादा इम्कानात है कि होना मिसकैरेज का 80% चांस हो जाता है जब 45 तक. ओ अच्छा. तो ये है कि आपको स्पेशलिस्ट क्लिनिक में जा सकती हैं और एक और आपके जीपी जो रिफ़र कर सकता है. लेकिन आपको जो ट्रीटमेंट मिल सकता है इसका बहुत ज़्यादातर कुछ हो नहीं सकता. आपका वज़न अगर ज़्यादा है वो कम करिए, आप फोलिक एसिड लीजिए. अगर आपका वज़न वो है कॉलर है क्या? नहीं वो तो अब चली गई हैं, लेकिन आप हाँ लेकिन आप उनसे बात कर सकते हैं. IVF जो है मैं ये आपसे पूछ रही थी कि एंटाइटल ये नहीं होंगे क्या? अच्छा, ये एंटाइटलमेंट की तरफ से. अच्छा ये एंटाइटलमेंट की नई बात है. आपने बहुत अच्छा बात कही कि बहुत से लोग सोचते हैं IVF से सच सॉल्व हो जाएगा. अच्छा IVF से उसमें भी चांसेस तो नहीं 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 तो 43 में जो चांसेस IVF के जो होते हैं ना वो अप्रोप्रिएट नहीं है ये IVF करना. अच्छा. इसलिए IVF होता है इनफर्टिलिटी के लिए. इस बहन की प्रॉब्लम मिसकैरेज है. हाँ. तो फर्टिलिटी के लिए और इस उम्र में 43 में बहुत कम चांसेस हैं IVF सक्सेस होने. अच्छा. के लिए और उनको शायद ज़रूरत भी नहीं है. अगर उनका वज़न ज़्यादा है वो उनको बिल्कुल नॉर्मल रेंज में करें. हाँ. फोलिक एसिड और प्रेगनेंसी विटामिन खाएं, कोशिश करती रहें, लेकिन स्पेशलिस्ट क्लिनिक में रेफ़र करवा लें. अच्छा तो वहाँ हम लोग स्कैन करेंगे. अच्छा. शायद और हम लोग देखेंगे, इसलिए ये स्पेशलिस्ट एरिया हो जाता है. ओके. 3 मिसकैरेज होते हैं ना इनका जो है, तो यानी उनको सपोर्ट चाहिए होता है, इमोशनल एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है ये क्यों हुए हैं. तो बेहतर है कि स्पेशलिस्ट से. तो ये जो फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं वो इनके काम नहीं है, क्योंकि ये तो मिसकैरेज का चक्कर है. हाँ, सही. अच्छा. चले, we wish her well. I hope that she, whatever she is trying to achieve, she can try and help. लेकिन आप कह रही हैं कि इनको अपने स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा. जी हाँ, अगर इनको इतना यानी depends when it's better to be referred to a specialist. अच्छा, दूसरी जो चीज़ें हैं नींद के अलावा जो है बैक एक जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जो है प्रेगनेंसी में. तो बैक एक दिस इज़ इनएविटेबल. ये इस वजह से होती है कि जो सब मसल्स जो जॉइंट्स होते हैं ना जो पेल्विस में एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, उससे जो जब बर्थ के टाइम होता है तो जॉइंट्स थोड़े से मूव हो जाते हैं ताकि बच्चा डिलीवर कर पाए. तो इस वजह से जो जॉइंट है थोड़ा सा ऐसे मोबाइल हो जाते हैं और मोबाइल भी थोड़े से. सो नॉट डूइंग टू मच हाउस वर्क मे बी नॉट लिफ्टिंग थिंग्स एंड गुड पोस्चर. और वो लोग जब उठते हैं ना बेड से ऐसे सब लोग ऐसे उठते हैं, उनको साइड से जाएं और फिर अपने हाथ से आराम से. हाँ. बहुत जैसे बगैर प्रेगनेंसी के जो होता था उसे थोड़ा और सा वैसे डिफरेंट एक और चीज है कि एक ब्रेस होता है. तो अभी हम ये बात में रखें, हम कंटिन्यू रखेंगे. yeah. लेकिन हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है. सो हम आफ्टर द ब्रेक वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू एज वेल. और इसके अलावा अगर आप हमें कोई भी अपना इशू हो, हेल्थ का, इमोशनल इशू हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@yasminqureshi.com. और इसके बाद भी हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कोई अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, जैसे कि हमारी और जो हमारी व्यूअर्स ने बताई हैं. लेकिन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक.